चढ़ा दिया है, उसमें हाफ टी स्पून मैंने घी डाले हैं और घी में हम चना दाल एक चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा ही हमको रोस्ट करना है। गैस एकदम लो फ्लेम पर रखें, नहीं तो दाल पकड़ लेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम एक कप सूजी, इसे रवा भी बोलते हैं, हल्का समय रोस्ट करना है। जितना देर में सूजी रोस्ट होगा उसके साथ साथ दाल भी रोस्ट होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही इसको रोस्ट किए थे। ये देखिए हल्का एकदम हमको ब्राउन करना है। ये देख रहे हैं, नज़दीक से दिखा रहे हैं, एकदम हल्का ब्राउन करना है। ऐसे अर्थ हम एक बॉल में निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। इसी पैन में हम दो चम्मच घी डालेंगे। आप चाहेंगे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल से बना सकते हैं। घी में बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए एक टेबल स्पून बादाम है, मूंगफली और थोड़ा सा काजू है, इसे हम रोस्ट करेंगे। पहले हम बादाम को पहले रोस्ट करके निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा चटकने लगेगा तो हम समझेंगे कि बादाम हो गया है, ज्यादा नहीं ब्राउन करना है। ये देखिए चटकने की आवाज आने लगी है। अब इसी के साथ हम काजू डाल देंगे, क्योंकि काजू जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए काजू हम बाद में डालेंगे। हल्का से काजू ब्राउन हो जाता है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा काजू भी ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में छान के निकाल लेंगे। और हम एक्स्ट्रा इसमें घी नहीं डालेंगे, बस जो घी बचा हुआ इसी में हम आगे एक चम्मच राई हम इसमें डालेंगे। हरा मिर्च है, दो पीस हमने डाला है, आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार डालें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें जीरा डाले हैं। अच्छे से चटकने देना, तभी इसका फ्लेवर आएगा अच्छे से। देखिए अच्छे से चटक गया है, देखिए इसका आवाज भी आपको सुनाई दे रहा होगा। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, एक बड़ा सा प्याज है छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, गैस को। हमें प्याज ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉटी करना है।
शॉर्ट हो गया है प्याज हल्का सा, ये देखिए शॉर्टी हो चुका है। अब हम इसमें हाफ बॉल में गाजर डालने हैं, थोड़े टुकड़ों में कटिंग किया हुआ है, और हाफ बॉल मटर डालने हैं। ये करी पत्ता पहले आप चाहेंगे तेल में डाल देने, जल्दी जल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट में डालते हैं, इसका साइड में डालिए। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर देंगे और उसके बाद हम मिलाएंगे। और तेल में डालने से क्या होता है, ये जल्दी से जल जाता है, इसका फ्लेवर जलने के बाद टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इस समय डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए अब हम इसको पत्ते को, करी पत्ते को भी इसी में मिलाकर मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। दो तीन मिनट इसको हमको फ्राई करना है, मटर हाफ बॉयल हो जाए इतना हमको करना है। इसको दाब को थोड़ा सा देखना है, हाफ टी स्पून में हम नमक डाल देंगे अभी। वन फोर्थ स्पून हम हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स करके एक मिनट और भूनेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। सब्जी मैंने इसमें गाजर और मटर डालें, आप चाहें तो बीन्स भी इसमें डाल सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो उस सब्जी इसमें आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिए हैं। अब इस उबाल एक आने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। ये सुबह ब्रेकफास्ट में आप ये बहुत हेल्दी पौष्टिक ये उपमा होता है, आप सुबह के टाइम में ये नाश्ता में ये इसे यूज कीजिए। ये पानी खोलने लगेगा उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया था कि मटर अच्छे से सीज जाए, और ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल भी आ गया। अब हम इसमें सूजी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और मिक्स करेंगे, एक बार सूजी नहीं डालना है। ये देखिए अच्छे से सभी सूजी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए सभी पानी ने ये सूजी सोख लिया पूरे अच्छे से। ये देखिए अब हम इसमें हम मूंगफली और काजू को इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करके गैस हमने ऑफ कर दिया है, और मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको हम ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम ढक के छोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए एक बॉल में अच्छे से दाब कर इसे भर ले, और इसे इस तरह इसको और इसको इस तरह गार्निश कर दे।
देखिए पोहा बनके बनके रेडी है। ये देखिए कितना एकदम देखिए खिला खिला है एकदम दाना। देखिए इसको, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से। इसी तरह आप उपमा बनाइए, एकदम प्रोटीन से ये भरा हुआ है।